हजार साल का 1 करोड़, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये मुझे डाइजेस्ट हुआ नहीं, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे थे कोई लाख के नीचे उतर ही नहीं रहे थे। अच्छा यहाँ पे कोई भी 1,000 कमाते बोला है क्या आपको? तो यार सब बोला लाख के बोले, है ना कि नहीं? और सब बोले गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, घर लूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। यानी कि सब अपने सपने को बात की है, सब लोग मोटिवेशन की बात की है, जो हमारे आसपास में कभी ये बात किया नहीं जाता। तो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो। अच्छा ये मुझे डाइजेस्ट क्यों नहीं हो, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये था दोस्तों, क्योंकि मैं इसी जगह पे काम किया करता था जहाँ पे कभी सपने के बारे में बात नहीं करते थे, ना कभी जिंदगी को आगे बढ़ाने के बारे में बात करते। अब वो जगह कौन सी थी? हाँ दोस्तों, ये बिजनेस में आने से पहले मैं पहला होटल के अंदर वेटर का काम करता था, और मैं एक सादा सादा छोटा एक होटल होटल के अंदर बैठा था, और मेरा महीने की जो आमदनी थी वो मेरा लगभग 2,500 रुपये। और आप जैसे लोग आते थे तो चाय वगैरह पीते थे, तो पीने के बाद थोड़ा बहुत टिप्स मिल जाती थी, तो ये सब मिलजुल के लगभग 5,000 रुपये महीने का मैं कमाया करता था। अब मुझे बताओ, महीने का 5,000, साल का 60,000 की तनख्वाह लेने वाला बंदा, और यहाँ पे जब बुलाया जाता और यहाँ पे बोला जाता है साल का 1 करोड़, जबकि मेरे को 1 करोड़ अगर कमाना है तो लगभग 7 जन्म लगेंगे होटल में, है ना? लेकिन नहीं, 7 जन साल का सिंपल है भाई, साल का 60,000, 10 साल का कितना हुआ? 6 लाख, 100 साल का 60 लाख। हेलो, मतलब एक पूरा मतलब जिंदगी में काम करो करोड़पति बन ही नहीं सकता है, तो बहुत मुश्किल है। तो ये मेरी डाइजेस्ट नहीं हुआ कि मेरे को ये लगा कि ये मेरा काम का नहीं है, इसके लिए मेरे को अंदर से आवाज नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? अंदर आया नहीं कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर से आवाज क्या रहती है, मेरे काम का नहीं है। बस इतना ही नहीं था, और एक प्रॉब्लम था मेरा, वो प्रॉब्लम ये था कि मैं एजुकेशन में भी बहुत पीछे था। जैसे कि मैं ये सुना था बचपन से बड़े बुजुर्गों से कि बहुत अच्छा पढ़ाई करोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे, है ना, जिंदगी में तरक्की करोगे, बोलते ना अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी तो अच्छा छोकरी, है ना। तो ये सब दिमाग में डुस डुस के भरा जाते हैं, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, और मैं हो गया था 12वीं में 5 सब्जेक्ट में फेल। आप लोग ऐसे आ रहा है, वो टाइम पे मेरे को बहुत दुख हुआ था, 5 सब्जेक्ट में फेल इसके लिए हो गए थे दोस्तों, क्योंकि 5 में से 4 सब्जेक्ट ऐसे था जो अंग्रेजी में पढ़ाते थे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम हिंदुस्तान में रहकर हमको सारा अंग्रेजी में पढ़ना पड़ा, इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या चाहिए। हेलो, तो मैं अंग्रेजी का लफड़ा है कि भाई आज भी मेरे को अंग्रेजी आता नहीं है, जो है वो है भाई, है ना। और अंग्रेजी क्यों लगते हैं? नौकरी करने को लगते हैं, पैसा कमाने को अंग्रेजी लगता है क्या? अच्छा तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आने के लिए अंग्रेजी बोलने जरूरी है क्या? बोलना यार, लेकिन 15,000 का नौकरी के लिए तेरे को अंग्रेजी आना होता है। तो भाई मैं नौकरी में ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, बैंक में 1 करोड़ रुपए के विश्वास करता हूँ। समझा पा रहा हूँ? छोड़ दीजिए। तो और एक सब्जेक्ट था वो मराठी था, आज अपन मराठी बराबर बोलते हैं, अपने ये थे। हेलो, अपन में मराठी मानस डाले, अरे मैं प्रॉब्लम ये है कि वो टाइम पे मेरे को मराठी समझता था, लिखने नहीं आता, और तो मैं लिखा रहेगा बेचारे, वो टीचर को भी समझ में नहीं आएगा ये संस्कृत लिखा है कि मराठी लिखा। और इसी वजह से मैं 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया था, और जिंदगी की उम्मीद खत्म हो गया, क्योंकि मेरे पिताजी बोले थे बेटा जा मुंबई में, मैं 7th स्टैंडर्ड पास करके आया था मुंबई में, और दिन भर काम करके शाम को कॉलेज जाता था, हाई स्कूल जाता था। यहाँ पे CST में एक ऑप्शन था होटल वालों के लिए, 4 घंटा आपको हाई स्कूल और कॉलेज कर सकते। तो वहाँ यह है कि मेरे पिताजी ये बोल के भेजे थे कि तू पढ़ाई कर अच्छे से, और तू मुंबई क्यों जा रहे, बहनों की शादी और तेरी शादी, लेकिन तेरी शादी तब होगी जब तू पढ़ाई करेगा, नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी। और मैं 12वीं में फेल हो गया, तो सबसे पहला दिमाग में यही आया, अब पूरे साल भर पढ़ाई करके एक ही सब्जेक्ट पास हुआ है, अब 5 कहाँ से होएगा? तो मैंने मेरी जिंदगी के शादी की उम्मीद छोड़ दी, अब कौन मिलेगा? तो मेरे दिमाग में कह रहा है चलो यार अपनी शादी ध्यान दो यार, अभी 2 बहन की है, चलो कम से उनकी शादी कर देते हैं, अपना जाने दो यार छोड़ दो। तो ये सोच के मैं मेरी माइंड सेट करके बैठा था, वो टाइम पे मुझे इधर लाके बिठाया। मुझे बताओ कि मुझे इतनी सारी छोटा जो सोच वाला बंदा है ना, अब इसको बोलेगा तुम 2,10,000 हफ्ते कमाएगा तो क्या बोलेगा भाई बताओ? करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा ना, क्या बोलेगा? ये मजा से होना ये मेरा काम का नहीं, ये तो पढ़े लिखे लोगों का। हेलो, मैं भी यही सेम था, एकदम रेडी नहीं था। ये कितने वाले, अभी 3rd है कि 4th है? कितने फ्लोर में बैठे आप लोग? ना मैं 5वें माले पे था, तो मैं ना 5वें माले से नीचे जाना तक बिजनेस करने को रेडी नहीं था, लेकिन उधर एक बंदा खड़ा था, आपको ना मेरा अपलाइन मतलब मेरा कजिन ब्रदर जिसने मुझे बिजनेस में बुलाया था, उसका इसे पूरा पैक हो गया, तो नीचे ही खड़ा था बेचारा, ऊपर नहीं आया। तो वो मुझे नीचे मिला, वो मिलने के बाद ये बिजनेस में करने को रेडी हुआ। सोचो 3 घंटे में जो नहीं हुआ उसने 3 मिनट में खड़ा। अच्छा ऐसा मेरे साथ क्या हुआ 3 मिनट के अंदर? सिंपल था, नीचे उतर के जैसे उसने मुझे जैसे उसको मैंने मिला, उसके एक सवाल किया,
कि यार कैसा लगा बिजनेस? मैंने बोला बिजनेस अच्छा है लेकिन मैं नहीं करेगा। बोला क्यों, क्या हो गया? बोला यार ये थोड़े अपना काम पे 1 करोड़ रुपए कौन कमाएगा, और पहले बता अगर आ भी गए तो करूंगा क्या इधर? ये तो बात है ना सर, अब समझो 15,000 कमा रहे, उसको महीने का 15 लाख आना चालू हो गए तो क्या करेगा, क्या क्या करी देंगे हम, है ना? कर लिया गाड़ी, क्या क्या लेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, है ना? अपने माइंड में यही आएगा अपने शाह होना। लेकिन मेरे कजिन ने